और भाई क्या हाल है। तो ये है लेटेस्ट राइस ड्रॉइड का 10.2 अपडेट जो कि मैंने Redmi K20 Pro के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। एंड इसकी जो स्मूथनेस है ये काफी ज्यादा क्रेजी आपको देखने को मिलती है। अब आपको पता होगा कि जो लेटेस्ट रॉम्स आ रहे हैं उनमें बूलेक्स कर्नल ज्यादा यूज हो रहा है या फिर वॉफल कर्नल ज्यादा यूज हो रहा है। अब इस रॉम में आपको सोवियत स्टार कर्नल मिल रहा है एंड इसकी ऑप्टिमाइजेशन भाई काफी अच्छी है। एंड परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा। बट अगर आप चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये है अबाउट फोन पेज जिसमें आपको ये अनऑफिशियल अपडेट मिलता है और इसके रिव्यूज मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। ये फर्दर एक नया अपडेट है और इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 है, उसके बाद ये राइस ओएस वर्जन 10.2 के साथ आएगा और फैब का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है। एंड जो बिल्ड वर्जन है वो आप चेक कर सकते हो, ये कम्युनिटी वाला है। एंड इसके साथ सोवियत स्टार कर्नल आपका अप्रैल 10 से अपडेटेड है। अब इसके अगर आप चेंज लॉग वगैरह रीड करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे ना पहले तो एक चीज आप यहां पे जो है ध्यान से देख सकते हो, इसके अंदर लेगेसी और डायनेमिक वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। मैंने लेगेसी वाला इंस्टॉल रखा है जो कि मैं डिक्रिप्शन के अंदर यहां पे ट्राई किया था। एंड आप जो है डायनेमिक वाला भी ट्राई कर सकते हो। एंड इसके जो फ्लैशिंग स्टेप्स है ना वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जिनको आप फॉलो करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अगर आप इसका चेंज लॉग देखना चाहते हो तो ये एंड ऑफ लाइफ फैब पैच के साथ हमें मिलेगा जिसमें ये कुछ एडिशंस आपको मिलेंगी। एंड ये आपको पूरा का पूरा चेंज लॉग आपको देखने को मिलता है। अब रोम के अंदर जो स्टॉक कैमरा है वो आपको यहां पर मिलेगा MIUI वाला कैमरा। एंड यहां पे अल्ट्रा वाइड हुआ या फिर 2x सब कुछ वर्किंग है। अगर आप वीडियोस में देखोगे 4K 60fps का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट है एंड सारे के सारे मोड्स आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे मैंने LMC 8.4R16 वर्जन यहां पर ट्राई किया जिसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। अब इसमें आपका स्लो मोशन वीडियोस क्रैश कर रहा है 1/8x के ऊपर, समटाइम्स क्रैश करता है और समटाइम्स ये काफी अच्छे से वर्किंग है। 4K 60fps तक का ऑप्शन है और यहां पे सारे के सारे लेंसेज वगैरह आपके वर्क करेंगे और इसका वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर। अब अगर मैं सबसे जो है ज्यादा चीज से इंप्रेस हूं रोम के अंदर वो है इसकी स्मूथनेस। अगर आप इसको पुल डाउन करते हो तो कोई भी लैग आपको नहीं मिलेगा। बट स्टिल एक सोर्स साइड से इशू ये है कि इसके जो यहां पे आपको आइकॉन्स हैं, जो आपको ये टॉगल्स मिलते हैं ना, ये थोड़ा लेफ्ट साइड की और ज्यादा है ट्रांसफर्ड है और अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये कुछ इतना होना चाहिए। तो यहां पे बग आपको मिलेगा, समटाइम्स ये डिसअपियर हो जाते हैं बट ये रोम साइड इशू आपको मिलेगा। एंड अगर आप इसको पुल डाउन करते हो तो भाई काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर आप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड देखना चाहते हो तो भाई वो आपके सामने है। रोम ना काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहां पे काफी अच्छा रहने वाला है। उसके साथ जो एनिमेशंस हुए या फिर जो स्मूथनेस है वो सभी चीजें आपको हाईली ऑप्टिमाइज्ड मिलेंगी इस रोम के अंदर। और ये हैप्टिक्स हैं और आपको सारे के सारे जो चेंजेस है वो सेम देखने को मिलने वाले हैं जो कि हमें पहले अपडेट्स के अंदर मिलते थे। और मैंने यहां पर लेटेस्ट वाला इंस्टॉल तो कर लिया बट इसके अंदर जी एप्स प्रेजेंट नहीं थे, तो आप जो है निक जी एप्स बेसिक को ट्राई कर सकते हो। अब मैं राइस ड्रॉइड की सेटिंग्स को चेक नहीं करवाऊंगा, मैं फीचर्स के ऊपर आऊंगा क्योंकि वो चीजें सेम है। यहां पर अगर आप देखना चाहते हो तो फैब का मैंने ऑलरेडी यहां पर रिव्यू कर रखा है। अगर आप डिस्प्ले के अंदर आओगे तो यहां पे आपको जो है लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें कलर कैलिब्रेशन है और यहां पे आपको कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस अप टू 90 हर्ट्ज तक मिलते हैं। एंड टैप टू वेक हुआ, टैप टू स्लीप हुआ, डेस्कटॉप मोड वगैरह ये सब कुछ आपको मिलेगा। एंड आप HVM DC डिमिंग दोनों को यहां पे ट्राई कर सकते हो। उसके साथ वॉलपेपर एंड स्टाइल में देखना चाहते हो तो कुछ ऐसे ग्रिड्स आपको मिल जाएंगे, डार्क थीम का ऑप्शन है। और इसका जो कस्टम आइकॉन पैक है यानी कि इसका बेसिकली सिस्टम आइकॉन पैक है उसमें थीम्ड आइकॉन वर्क नहीं करेंगे। आप लॉन आइकॉन्स को डाउनलोड कर सकते हो गूगल से एंड मैक्सिमम ग्रिड्स आपको 6x10 तक देखने के लिए मिलेंगे। एंड एप्स में अगर आओगे तो यहां पे गेम स्पेस नहीं मिलता और बैटरी का जो स्टैट्स है वो आपको मैं दिखाऊं तो ये 24 आवर्स वाला शो नहीं करता बट अगर आप देखोगे यहां पे टॉगल जरूर आपको मिल जाएगा। एंड ये बैटरी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलती है। उसके साथ साउंड एंड वाइब्रेशन में पर है वॉल्यूम कंट्रोल है, यहां पे डायरेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, हैप्टिक फीडबैक है और क्लियर स्पीकर वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ऐप लॉक, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट तीनों मिलेंगे। एंड अगर हम जो है यहां पे ऐप ओपनिंग यहां पे अनलॉकिंग स्पीड की बात करें तो स्क्रीन ऑफ के साथ पहले आपका AOD ऑन होगा जिससे जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। एंड अगर आप नॉर्मली यहां पर स्पीड देखना चाहते हो तो भाई वो काफी अच्छी है एंड एक्यूरेसी वगैरह के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। उसके साथ यहां पर जेस्चर्स मैं चेक करवा देता हूं तो ये फैब का सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ आने वाला अपडेट है जिसमें पिल की लेंथ है, रेडियस है, हैप्टिक फीडबैक वगैरह का ऑप्शन है और हाइड आईमी बटन स्पेस का भी ऑप्शन है। बाय द वे 2 बटन 3 बटन दोनों आपको मिल जाएंगे। एंड यहां पे आप USB कॉन्फ़िगरेशन को ट्राई कर सकते हो। होम के अंदर जो डिवाइस आपका वो यहां पे सर्टिफाइड मिल जाएगा तो बैंकिंग एप्स काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। वाइडबैंड L1 है, गूगल फोटोज के अंदर आपको स्पूफिंग भी देखने को मिलेगी और यहां पे मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड 33 वॉट से ये आपको देखने को मिल जाएगी।
जाएगी। और रोम को जब मैंने नॉर्मली यूज किया तो एक्टिव रेन मेरा गया अराउंड 8% पर आर के आसपास, आइडल रेन काफी कम है, डीप स्लीप वर्किंग है। और ये है सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ जिसमें 6% तक आपका सीपीयू थ्रॉटल करेगा और ये गीकबेंच 6 के स्कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंटूटु बेंचमार्क के स्कोर्स की तो ये आपको अराउंड मिलेंगे 5,28,000 के आसपास। एंड वाई लेफ्ट टेस्ट के स्कोर्स आप देख सकते हो। तो बीजेएमआई ट्राई किया मैंने येलो सर्कल के अंदर। अब नॉर्मली अगर आप इसको देखते हो एज अ कैजुअल यूजर, जब आप गेमिंग कैजुअल लेवल पे करते हो तो भाई आपको परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल जाती है, बट यहाँ पे येलो सर्कल में एफपीएस को हैंडल करना इसके बस की बात नहीं है। यहाँ पे जो FPS हैं वो राउंड 40 के आसपास भी समटाइम्स आ जाते हैं। और ये चीज स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ नहीं, ये नॉर्मली भी आपको देखने को मिल जाएगी। आपको मेजर FPS रॉम मिल जाएंगे अगर आपके आसपास ज्यादा एनिमीज हैं। तो ये रॉम हार्डली मैं जो है नॉर्मली अगर आप इसको बोलना चाहते हो तो मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ जो ऑप्टिमाइजेशन है ना सिस्टम के अंदर वो मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी है। तो इस रॉम को आप डेफिनेटली एज अ डेली ड्राइवर के लिए यूज कर सकते हो, जिसको गेमिंग नहीं करनी तो ये रॉम काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। लाइक इसका UI एक्सपीरियंस काफी बेटर है भाई, और स्टेबिलिटी भी है क्योंकि ये क्यूपिया 2 से रीबेस्ड आपको नहीं मिलती। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।